ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पीएम मोदी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पर लगाम नहीं लगाई तो भारत न सिर्फ डेमोक्रेटिक और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी गंवा सकता है। सर्चिंग फॉर पोटेंशियल नाम से जारी रिपोर्ट में मूडीज ने लिखा है कि अगर भारत को क्षमता के अनुसार ग्रोथ हासिल करनी हो तो मोदी सरकार को वो सभी रिफॉर्म करने होंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। इसमें रत्ती भर शक नहीं है कि राजनीतिक नतीजों पर भी भारत की ग्रोथ टिकी है। ये बात तो सभी जानते हैं कि मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार को रिफॉर्म करने के लिए विपक्ष की भी जरूरत पड़ेगी। मूडीज ने साल 2015 के लिए 7.6 GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है। कई बार देखने को मिला है कि सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों पर रोक लगाने में नाकाम रही है। हालांकि इन राष्ट्रवादियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को दूर कर रखा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर तनाव तो चल रहा है। यही कारण है कि हिंसक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, या तो वो अपने साथियों पर लगाम कसें या फिर ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा दें। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।